तो दोस्तों पुरुलिया ट्रेनिंग सत्संग में डीजे लाइट इफेक्ट स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ बहुत दिनों के बाद। तो दोस्तों फिर मैंने तो प्ले देख लिया वीडियो कैसा होने वाला, तो दोस्तों आप भी खुद का फोटो लगाएगा कि इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। एकदम आसान है, खाली फोटो ऐड करना होगा और स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक जो है नहीं किया तो जाके कर लेना, क्योंकि मैं फोटो बॉर्डर जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ पीएनजी वगैरह सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं फोन ने इफेक्ट जो मैं यूज करने वाला हूँ बिट मार्क इफेक्ट, वो सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन को टच कर देना, और सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो ये जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको कुछ इस तरह बहुत सारा एंगल देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो इसमें मैं इफेक्ट बना के रखा हूँ, तैयार करके रखा हूँ पहले से। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो कुछ भी छेड़खानी ना करें। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो आगे आ जाना, और एकदम फर्स्ट बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना होगा। जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों पर मुझे थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो फोटो का जो साइज है एकदम फुल स्क्रीन हो जाएगा, इसका जो लेयर है एकदम लास्ट तक लाना होगा। तो लास्ट तक लाने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, तो लास्ट में आ जाएगा। देख सकते हो फोटो का जो लेयर है वो लास्ट में आ जाएगा, और ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा फोटो को, और ऐसा करके एकदम नीचे आ जाना। तो जितने से रेक्टेंगल रहेगा सभी रेक्टेंगल के नीचे रखना होगा, तो ऐसे करके एकदम नीचे आ जाना, और जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर रखना होगा। तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना आपको। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो फोटो है मेन फोटो, अभी जो फोटो को ऐड किया है ये फोटो में इफेक्ट देना होगा। तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, और यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना, और इसमें आने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो में ये फिट को देना होगा। तो ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फास्ट में आपको आना है। फास्ट में आने के बाद दोस्तों एक पिंज फोटो को ऐड करना होगा, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और ये जो पिंज फोटो है ये पिंज फोटो को ऐड कर लेना। तो पिंज फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मूव वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और जहाँ पर रखना चाहते हो जिधर रखना चाहते हो उधर रख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं रख दिया हूँ, और इसका जो साइज है वो अगर छोटा करना चाहते हो तो जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ऐसा करके छोटा कर लेना अपने हिसाब से, और अगर बड़ा करना चाहते हो तो ऐसा करके बड़ा कर लेना, तो अपने हिसाब से कर लेना जो भी आप रखना चाहते हो। और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, यहाँ पर जो बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके शेडो को ऑन कर लेना। और शेडो को ऑन करने के बाद दोस्तों और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना आपको, ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा, और ऐसा करके एकदम नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो मेन फोटो है उसके ऊपर रखना होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देना। और यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से फास्ट में आपको आना है, और एक पिंजी बॉर्डर को ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और ये जो पिंजी बॉर्डर है इसको ऐड कर लेना। तो पिंजी बॉर्डर को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एकदम लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन है पर टच करना होगा। तो कुछ इस तरह आपको स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हो आपका स्टेटस। तो ऐसा करके आप बना लेना, और स्टेटस बना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर में जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा,
और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।